इंदौर की एरोड्रम पुलिस ने ब्राउन शुगर सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने करीब 6 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। बता दें कि एरोड्रम पुलिस को मुखबिर की सूचना पर एक युवक को पकड़ा है। तलाशी लेने पर पकड़ाए आरोपी के पास ब्राउन शुगर मिली। पकड़ाए युवक के नाम संजय प्रताप विजय निवासी बाबू मुराई कॉलोनी है। आरोपी संजय के पास से पुलिस ने 6 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है, जिसकी मार्केट वैल्यू हजारों रुपए है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है, जिसमें पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ब्राउन शुगर कहां से लाया था और कहां बेचता था। आज दिनांक 17/1/2021 को मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति बाबूमुराई कॉलोनी के सामने जो खाली मैदान है वहाँ से जो स्मैक होता है, स्मैक पाउडर, उसको बेचने की में या कहीं ले जाने की फिराक में खड़ा हुआ है। जो मुखबिर सूचना पर थाना एरोड्रम से टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई की जाकर वहाँ पर उस आरोपी को पकड़ा गया। जो आरोपी का नाम संजय पिता विजय पालीवाल निवासी बाबूमुराई कॉलोनी का ज्ञात हुआ और उसको चेक करने पर उसके कब्जे से करीब 6 ग्राम स्मैक, कीमत करीब 25,000 रुपये की, उसके कब्जे से विधिवत जब्त करके कार्रवाई की गई है। थाना एरोड्रम पर उसके विरुद्ध 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है, कार्रवाई की गई है। जी आरोपी के रिकॉर्ड के बारे में जो रिकॉर्ड देखा जा रहा है, न सिर्फ इस थाने के अन्य थानों के रिकॉर्ड से भी इसका आपराधिक रिकॉर्ड पता किया जा रहा है। मैं उपनिरीक्षक बलराम सिंह राठौर, थाना एरोड्रम।